कुल्लू जिला के मनाली उपमंडल के चचोगा गांव में 6 अप्रैल को नाले में मिली अज्ञात मृत महिला के शव के मामले में पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने मृत महिला की पहचान बताने वाले को 1,00,000 रुपए इनाम देने की बात कही है। महिला के मर्डर मामले में पुलिस की SIT टीम गहनता से छानबीन कर रही है। 6 अप्रैल को मनाली के साथ लगते चचोगा गांव में एक शाम के वक्त एक अनआइडेंटिफाइड फीमेल की डेड बॉडी पुलिस को मिली है, जिसमें पुलिस ने 302 IPC के तहत मुकदमा दर्ज किया है और उस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम जो है नेरचौक मेडिकल कॉलेज से करवाया गया है टीम के द्वारा। इसके अलावा फॉरेंसिक की टीम ने भी उसका स्पॉट विजिट किया है और इसमें माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय ने एक SIT DIG सेंटर रेंज की अध्यक्षता में बनाई है, जिसकी जो SIT है वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है हर पहलू को ध्यान में रख करके। और इसमें अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है तो उसमें विक्टिम आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है, तो माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय ने आज अनाउंस किया है कि जो भी व्यक्ति विक्टिम या एक्यूज्ड के बारे में कोई भी इस केस को सॉल्व करने के लिए क्लू देगा उसको 1,00,000 रुपये तक का इनाम दिया जाएगा। पुलिस ने अभी तक इस केस में 1,638 लोगों से पूछताछ की है और जो है 7 लोकेशन से CCTV जो फुटेज है वो भी ली है, उनको भी देखा जा रहा है और जो टेक्निकल एंगल पे जो है डंप डाटा है उसके आधार पर भी जो है इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। पुलिस हर पहलू को ध्यान में रख के इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आसपास लोगों से भी पूछताछ की गई है और टेक्निकल जो एस्पेक्ट्स है उनको ध्यान में रख करके भी पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट। रसपुन कुमारवीं की तरफ से नए सेशन की शुरुआत हो गई है, तो जो एडमिशन प्रोसेस है वो 1 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक हमारा चलेगा। इस बार एडमिशन के लिए हमने स्पॉट टेस्ट रखे हैं, जो किसी वर्किंग डे को आपके बच्चे जो हैं वो हमारे पास टेस्ट दे सकते हैं और इसके साथ हमारे पास जो फैसिलिटीज़ रहेंगी वो बॉयज़ गर्ल्स के लिए हॉस्टल सेपरेट रहता है और साथ ही कुछ जो रूट्स हमारे ट्रांसपोर्ट के रहते हैं वो जो पुराने रूट्स सभी चल रहे हैं लेकिन उनके साथ कुछ नए रूट्स भी हम जोड़ रहे हैं, तो वो हमारी वेबसाइट पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जितना भी एडमिशन से रिलेटेड किसी की क्वेरी हो तो हमारी वेबसाइट है minervaeducation.org, उसके ऊपर जाके अपनी क्वेरी देख सकते हैं। तो मैं सभी से आग्रह करूँगा कि जितना जल्दी हो सके अपने एडमिशन प्रोसेस को कम्प्लीट करवाएं ताकि नया सेशन एकदम से हम पूरे टाइम पर शुरू